कोटा के महावीर नगर थाना इलाके में वृद्ध दंपति पर जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने वारदात को अंजाम देने वाले एक आरोपी को बापरदा गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए सहायक पुलिस अधीक्षक अमृता दुहन ने बताया कि वारदात के बाद टीमों का गठन कर जांच शुरू की गई, साथ ही साइबर सेल की भी मदद ली गई। पुलिस जांच में वारदात को अंजाम देने के पीछे 12 के पटना गांव का निवासी राजवीर का नाम सामने आया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के एक दोस्त के घर पर दबिश दी और आरोपी राजवीर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी से पूछताछ में सामने आया कि रुपए कमाने के लालच में आरोपी ने वारदात को अंजाम दिया था। ये घटना 11/5/2019 को सुबह हमें ये खबर मिली थी कि एक वृद्ध दंपति के ऊपर उनके घर में घुसकर जानलेवा हमला हुआ है और साथ में वहाँ पर जो एक सफाई करने वाला आया था उसके ऊपर भी हमला हुआ है। तुरंत उनको फिर मेडिकल उपचार के लिए भेज दिया गया था। उसके बाद हम घटनास्थल का पूरी पुलिस टीम ने हमारे SP साहब दीपक भार्गव जी के अंडर सभी ने एकदम तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए वहाँ पर FSL टीम और MOB टीम को बुलाकर वहाँ पर घटनास्थल का पूरा मौका निरीक्षण करवाया गया। हमारे SP साहब और एडिशनल SP साहब राजेश मील जी के निर्देशानुसार हम सब ने काम किया और उसकी सफलता आज आपके सामने है कि जो इस घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति राजवीर सिंह यादव आज पुलिस